वही ना बोला ना मैं। अभी मैं इनसे वही पूछ रहा था कि यहाँ पे कितने टेम्परेचर रहता है, क्या बोल रहे एकदम तक बर्फ रहती है। बर्फ रहती है नहीं है वाच। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम अभी अभी उठे हैं और ये हमारी महारानी। हाय, और हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, 10 बजे तक चेकआउट कर लेंगे क्योंकि हमें न्यू हार्ट का एक्सपीरियंस लेना है लेह लद्दाख में। अभी जिस होटल में हम रुके थे काफ़ी अच्छा होटल है, मतलब अच्छी सर्विस है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे अभी। बट क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकल रहे हैं तो सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि दूसरा होटल ट्राई करेंगे, एक जगह स्टे नहीं कर सकते इसलिए हम आगे जा रहे हैं। और मिलिए इनसे, ये है हमारी अनायरू शेख। बोलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बोलो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अरे मैं तो कल ही पूछ रही थी ये क्या। आप बताते ही नहीं है, पूछते ही नहीं हो आप इनसे। अरे मैंने तो कल तो बोला था ना। कल बोला था, चलो कोई बात नहीं, कल खाना खाया। आपको मामा की बॉडी कैसी लगती है? मामा की बॉडी कैसी लगती है? आप बॉडी दिखाओ। ये बा हाय गाइस, अब आई को रुको अब करते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? करती हूँ बहुत खेल होंगे, अल्लाह पाक से बहुत खुश होके सारे मुझे भी खुश होके, जी को मैं हमेशा कहती हूँ हाजिर और न्यू आपके साथ व्लॉग है। क्या हम जा रहे हैं नाश्ता खाने के बाद, हम जा रहे हैं नाश्ता खाने के या हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली हम लोग इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग लेह घूमेंगे। मियाँ जी गए गाड़ी निकालने के लिए। ओके अच्छा था होटल, रूम भी अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी, 7 सीज होटल। ब्यूटीफुल गार्डनिंग की भी है और यहाँ से हमारी चेकआउट टाइमिंग। हाँ जी, तो आपने देखा हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और फिरोज़ जो है वो वहाँ के जो मैनेजर थे या ऑनर थे, आई डोंट नो, उनसे कंफर्म कर रहे थे कि हम कौन कौन से प्लेसेस पे जा सकते हैं, लेह में कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप एक लेह पैलेस चले जाओ और आपका है शांति स्तूपा चले जाओ, ये सब नियर बाय है तो आप जा सकते हो। तो हम लोग निकल चुके थे अपने घूमने के लिए और आप देख रहे हैं यहाँ पर रात में दिखाया था, अभी मैं आपको दिन में दिखा रही हूँ। लेह यहाँ पर अच्छी खासी बसावट है, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, क्राउड भी है। तो ये हम पहुँच चुके हैं लेह पैलेस, ये अभी हम बैक साइड में रहे इसके और हमको जाना है ऊपर वो जो दिख रहा है मट्टी का। तो चलिए निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। कोई सर्दी वर्दी नहीं इधर? सर्दी का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं, दोपहर में तो इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, सूरज जैसे मुंह पे चटके मार रहा है। आप आओ और बहुत सारी सनस्क्रीन लेके आओ साथ में, कुछ काम नहीं आ रहा। सीधे खड़ी रहो नायरा, नहीं नहीं डर्टी है वो, बैठना नहीं, कपड़े गंदे होंगे। आदि ले ले यार थोड़ी देर के लिए, इसको लोअर तो करो। आओ मेरे पास आ जाओ, ये भी बना के इसको भी पोस्ट करने का, साला ट्रिप पे आया था घूमने के लिए। मामू की ड्यूटी निभा रहा है। ले पैलेस, तो ये टिकट काउंटर्स है, यहाँ से टिकट ले रहे हैं हम लोग, देन फिर हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ जैसे कि हमने टिकट लिया और हमने अंदर एंट्री कर ली, तो एंट्री जब की है तो कुछ इस तरीके से है कि हर जगह आपको जो है इनकी हिस्ट्री अपडेट की गई है।
ये यहाँ का कल्चर है जो यहाँ से स्टार्टिंग की गई है दलाई लामा उनके थ्रू, मतलब इसलिए इसको लेह पैलेस बोला गया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरा मैप वगैरह सब कुछ इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। इनके जो भगवान हैं बौद्ध धर्म के वो सब हमें यहाँ पे दिखाए गए हुए हैं, और ये जो लेह पैलेस है वो कहाँ से स्टार्टिंग है, कितने फ्लोर है, कैसा क्या कैसे इसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ हमको मतलब बताया गया है। और ये यहाँ पर यह बौद्ध धर्म का कैसे मतलब कहते ना स्टार्टिंग हुई है वो सब चीज़ें प्रॉपर हिस्ट्री, तो वही हम सब देख रहे थे। कहते ना कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, तो ऐसे लेह पैलेस से इसकी भी एक हिस्ट्री है जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई है अगर आप जाते हो तो। यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह अलाउ नहीं थी बट मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था डर डर के कि मुझे अपने ब्लॉग में दिखाना है। और ये यहाँ का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर था शायद, तो हम लोग आए यहाँ पर और कुछ इस तरीके से था, खूबसूरत लग रहा था क्योंकि सब मिट्टी का बना हुआ है। देखिए आप लोग इतना खूबसूरत व्यू दिख रहा है इधर से, और ये कुछ इस तरीके से आ रही हूँ बेटा, चले अभी अंदर चलते हैं, बस चलो। मैं भी थकी गई। हेड डाउन करना गैलरी। नहीं बेटा इधर बैठते नहीं है, थक गए, बस अभी चल रहे हैं ना। तो ये मैं टॉप पे आ गई हूँ लेह पैलेस के, यू आर एट 6th लेवल। अरे बाप रे। हाँ बेटा इधर ही हूँ। ये लेह पैलेस है कि भूल भुलैया, ये है भैया टॉप। ओहो यस बेटू, नहीं मिल रहे बेटा मामू। लेह पैलेस से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे शांति स्तूपा, हाँ जी, जो कि नियर बाय था, मतलब कुछ 5 to 10 minutes के डिस्टेंस पे, तो हम लोग यहाँ पे भी आ गए थे। तो चलिए आपको शांति स्तूपा दिखाते हैं। ठंड ही नहीं है इधर, ठंड सोच के आए थे पर ठंड तो लगी नहीं रही। लेंगे आगे जाओ। ओके सो फाइनली ये है शांति स्तूपा, बहुत चढ़ना पड़ रहा है, बहुत सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। बहुत डायलॉग सही है ना कि माउंटेन्स में आए थे मेंटल पीस के लिए, पर यहाँ आ गया पता लगा कि फिजिकल हेल्थ के लगे पड़े। तो अभी अपन लोग निकल चुके हैं, कहाँ के लिए भाई? कारदुंगला। अभी अपन लोग खारदुंगला नुब्रा के लिए निकल चुके हैं, जो कि सैंड ड्यून्स, नुब्रा, पेंगोंग वो सब करने जा रहे हैं अभी हम लोग कवर। तो अभी अपन लोग लेह लद्दाख कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब उसमें वहाँ पे जो जो प्लेसेस थे घूमने के हम लोगों ने वो कंप्लीट किया। अब उससे आगे के लिए निकल रहे हैं, मनाली से आते हुए ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं और अब ये रूट जो है और आगे के लिए जा रहा है। गाइस बहुत एडवेंचर है, बहुत मज़ा आ रहा है, हालत भी ख़राब हो रही है और मज़ा भी आया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे जा जाके और क्या क्या चीज़ें जितने हम कैप्चर कर पाएंगे और अब तक पहुँचाएंगे, कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएं। गाइस गाइस अभी हमारे सामने यहाँ पे लैंडस्लाइड हो, बिल्कुल अभी हम आए थे, बिल्कुल जस्ट अभी, और ये तो दूर पर रुके हैं, ये भाई है खूबसूरत सा, इसने रोका हमें, बोल रहा है कि रुक के, सेफ्टी नहीं है, बोल रहा है आगे सेफ्टी नहीं है, बोल सकता रास्ता, बोल रहा है रास्ता तो बंद है, बट देखते हैं अभी क्या होता है।
ज़ूम करूं? सब ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं सर, बाइक वाले से लैंडस्लाइड हो रहा है। ये देखो दिख रहा है आपको गिरता हुआ, तो बी केयरफुल। वो देखो अलग अलग से चुनाव जो नहीं मिल रहा, ये गिरा गाइस, देखो 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 ये लैंडस्लाइड हो रहा है। ये अपने आप हो रहा है कि फेंक रहा है कोई? नहीं ना बाबा, लैंडस्लाइड हो रहा है। ये बाइक वाले भी पूछ के आया तो बोलता बंद है। अरे मत कर, नीचे कर। माय गॉड, अब क्या करे गाइस, आई डोंट नो। इतना मेहनत पूरा गया पानी में। अगले और क्रॉस देखते सारे कितने। ओह माय गॉड, और नहीं हो रहे तुम भाई लोग। हां और कितना फटेगा भाई, और आगे नहीं जा सकते यार अपन। हां बे, अच्छा ग्रिल एक्चुअली सुसु करने के लिए प्लेस नहीं मिल पा रहा है, इन्हें कहाँ सुसु करना है। और बहुत ही बंजर जमीन है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ आपने देखा कि मैं कैसे अजीब तरीके से घूम रही हूँ इधर उधर, क्योंकि मेरी हालत बहुत डाउन हो रही है। कम से कम 2-3 घंटे हो गए मुझे वॉशरूम जाना था, बहुत देर की सुसु आई हुई थी, लेकिन हम मुझे कहीं अच्छा सा वॉशरूम नहीं मिल रहा था। कहीं मिल भी रहे थे तो वो रोड पे इतने गंदे ना कि बस मेरा जी ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे आर्मी कैंप वगैरह था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाके कर लेती हूँ, बट नहीं भाई साहब, नहीं मिला। मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, देन फिर इन्होंने बोला आगे रास्ते पे कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। और सच बताऊँ कभी भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो प्लीज़ आप जुगाड़ करके चलें। और हम बस पहुँचने वाले थे टॉप पर, खारदुंगला पास। हाँ जी, आप देख रहे हैं कितनी बर्फ़ है, कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब बस क्या ही बोलूँ, वर्थ है हमारा यहाँ पर आना। Hey guys, तो अपन लोग अभी पहुँच चुके हैं खारदुंगला पास। कर दिया भाई, चलो आओ, चलो बस, चलो चलो आ जाओ, हां कर जाएगी तो चलो जल्दी। सो अभी अपन लोग खारदुंगला पहुँच चुके हैं पास पे। ये चौकी है आपका 17982। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बर्फ मिलेगा, थोड़ा सा क्राउड है यहाँ पर, ऐसी हैं देख सकते हो, एंजॉयिंग मजे ले रहे हैं। हाँ गाइस, ये हम लोग नीचे आए हैं अभी, और रेस्टोरेंट वगैरह सब है यहाँ पे। ये आर्मी का कैंप है और ये लोग शायद क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, बहुत। हाँ, ये एक अलग ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब क्रिकेट खेलना लाइक मज़ा आना। यार मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, बट दिस इज़ अ व्यू। हाँ वही ना बोलो ना, अभी मैं इनसे वही पूछ रहा था कि यहाँ पे कितने टेम्परेचर रहता है, क्या बोल रहा है इधर तक बर्फ रहती है। बर्फ रहती है नहीं है आपने गांव में जाकर टेम्परेचर कितना है, माइनस जी जी तो आप लोग नहीं खेलते क्या क्रिकेट वगैरह? हाँ बॉडी गर्म, आपको बैटिंग है, मैच चल रहा है क्या पूरा? हाँ सो गाइस, यहाँ पे चल रहा है मैच, सारी टीम बैठी हुई है।
आवाज अंदर डब करने दो। एक मिनट हटना, साइड होना, साइड होना। मेरे को दिखाओ भाई, ऐसे तुम तो खेल नहीं मार। डरना क्यों? मैं दिल्ली से ही हूँ, मुंबई। हाँ अच्छा, अभी मुंबई से? हाँ, मैं 3.5 साल दिल्ली में था। दिल्ली में कहाँ पे? एनएचपी। अच्छा, अरे नाइस। हाँ हो गया फिरोज, उल्लासनगर। अच्छा, उल्लासनगर। हो कौन सा सेक्टर? उल्लासनगर 3। वाच खारदुंगला क्रॉस करने के बाद हम लोग आए खारदुंगला के नीचे उतरे हैं और यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाएंगे। यहीं बैठोगे? अंदर नहीं है कुछ? अंदर भी इधर चलो, अंदर बैठते हैं। अंदर बैठेंगे, अंदर है जगह। आओ ना, रुको, यहाँ बैठते। तो आर्मी कैंप से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ रेस्टोरेंट में, जो कि थोड़ा आगे जाके था। हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं ये इनका पूरा नहीं कैप्चर कर पाई नाम वगैरह, तो बस हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। व्हाट इज योर नेम? व्हाट व्हाट इनसिंग, क्यूट नेम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिरोज क्यूट सी लड़की से बात कर, इतनी क्यूट थी ना, बिल्कुल अनारा की बहन ही लग रही थी। वहाँ पे ना ये दोनों फिरोज़ और आदिल हमें चिढ़ा रहे थे कि इरम और अनायरू दोनों यहीं के लगते हैं। तो ये ऑनर की बेटी थी, बहुत क्यूट थी। तो फिरोज़ उससे बातचीत कर रहे थे, हमारा खाना खा कर हो गया था तो हम निकल ही रहे थे जस्ट, लेकिन वो दिखी ना तो उससे बात करने का मन हो गया। बात करी, बहुत प्यारी लग रही थी। अनायरू की तो फ्रेंडशिप ही हो गई थी इनसे। हाय गाइस, और ये अपन लोग कभी खारदुंग गाँव से निकल चुके हैं और अब नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला जो रास्ता भी हमें मिला है, ये बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब अच्छा बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस पर चलने में। तो स्पीड भी पकड़ पा रहे हैं, अदरवाइज़ तो पहले ही बहुत स्लो आ रहे थे। अभी नुब्रा वैली जाके स्टे करेंगे, वहाँ पर प्लेसेस हैं एक दो, हम वहाँ पर विज़िट करेंगे। और अब जो भी कैप्चर करा इन्होंने मैं इंक्लूड कर दूंगी इसके अंदर, क्योंकि यार ऐसा प्लेस है ना ये, मतलब जहाँ जहाँ से भी हम लोग आ रहे हैं, हम लोग इतने हाईएस्ट पॉइंट पे गए हैं, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं और लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब हम लोग को दिक्कत हो रही है। यहाँ पे मज़े भी है ना तो सज़े भी ऐसा है। तो अभी हम लोग, जैसे कि आदिल ने बताया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग नुब्रा वैली जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। और यहाँ पे अभी फिरोज़ ना कुछ चाइना का वॉर वगैरह समथिंग कुछ बता रहे थे, अभी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। चलो भाई, घुमा दो कैमरा। तो गाइज, यहाँ पे एक सीन हुआ था, मतलब सीन क्या हुआ था कि ये जो है आपका, ये देखो कैसी हालत हो रही है, पहले ये देखो आप, पता नहीं कब कौन सा पत्थर नीचे आ जाए और कौन किधर ले जाए। हाँ बस, अभी जैसे हमने बोला रोड अच्छे होते में रोड खराब आ गया, जैसे ही हमने तारीफ करी थोड़ी सी रोड की, पता नहीं क्या जमानी खाली है क्या है, पर व्यू बहुत बड़े प्यारे हैं। व्यू देख देख के आपके सर में दर्द हो जाएगा, इतना प्यारा व्यू है, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे जरा बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ पे कुछ बात बताएंगे हमारे मिस्टर फिरोज शेख जी। तो बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? एक्चुअली यहाँ पे पेंगोंग के साइड में जस्ट लग के चाइना बॉर्डर है। लास्ट टाइम को सीन हुआ था, मुझे भी इतना अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने आर्मी का कुछ वीडियोस देखे थे, वो लोग में आपस में भिड़न हुई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी, क्योंकि वो लोग हमारा लैंड ऑक्यूपाई करने वाले थे, जो कि वो लोग ने कर लिया था। तो हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे गई, उनके बीच में बहुत सारी मतभेद भी हुई, फिर उसके बाद में हमारी इंडियन आर्मी, जैसे कि आपको मालूम है, लड़ गई तो डट गई, उन्होंने उनको मार के भगा दिया सीधा। तो ये सीन हुआ था, यहीं पे हुआ था शायद, नियर बाई किधर तो हुआ था, पेंगोंग के आजू बाजू में, क्योंकि वो लग के ही है इसलिए। बट यू नो व्हाट यार, आज ना हम क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम उनसे मिले भी
और सीरियसली मतलब मज़ा आया, मतलब जो द वे ऑफ ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट उन्होंने किया, लाइक हमने खेला भी, वो लोग खेल रहे थे तो हमने सोचा कि उन्हें ज्वाइन करा जाए, बिकॉज हम थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे थे उन्हें ज्वाइन करने में। महाराष्ट्रीय दोस्त लोग भी मिले यार, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सबसे अच्छी चीज ये कि क्या कहते हैं, आर्मी में हमारे महाराष्ट्रीय लोग भी थे, उन्होंने हमारी एमएच वाली गाड़ी देखी, हम लोग वहीं रुके थे तो दो आर्मी वाले आए, हमको लगा क्या हो गया, कुछ रूल्स तो ब्रेक नहीं हुआ हमसे, वो लोग आए तो उन लोग ने मेरे से बात की, बोले आप महाराष्ट्र से हो, बोला हाँ, बोलते महाराष्ट्र से गाड़ी लेके आए, बोला यस कहाँ से हो, तो हम लोग का जान पहचान हुआ, वो लोग भी हमारे मतलब नियर बाई थे, हमारे आजू बाजू से लोग थे, बट बहुत अच्छे नेचर के थे। हमने बोला यार हमको भी क्रिकेट खेलना है, क्योंकि हम भी बोर हो चुके थे, कब से ड्राइविंग करो, ये देखो वो देखो पहाड़ देखो सब देख लिया, लेकिन एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी, बट क्रिकेट खेल के बहुत मज़ा आया, वो भी हमारी इंडियन आर्मी के साथ, और क्या बोलोगे। सो गाइज, जो हम लोग जब हम खेलने गए थे क्रिकेट, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्रिकेट खेलने गए थे, क्रिकेट में हुआ क्या कि वो भाई, जैसे कि भाई मुंबई से है ना, तो भाई को लैंग्वेज आती है, जो भी मराठी लैंग्वेज आती है, मेरे को आती नहीं है, मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी सही से नहीं आती। तो क्या है ना कि जब वहाँ पे पहुँचे ना, तो उन्होंने हमसे पूछा, मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला कि मैं मुंबई से, तो एकदम से ना वो अपनी मराठी लैंग्वेज में बात करने लगा, तो जब उसने पूछा ना कि मुंबई में कहाँ से, तो मुझे समझ में नहीं आया, उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, फिर मैंने एकदम से उंगली करी, मैंने कहा इनकी तरफ, मैंने कहा ये इनसे बात करो इनसे बात करो। तो ये अभी सीन था। उसके बाद फिर मैंने, मुझसे तीन चार जन ने और पूछा, तो मैंने बोला कि मैं दिल्ली से हूँ, ये मुंबई से हैं, तो ये दिल्ली मुंबई और फिर आर्मी, आय हाय अमेजिंग कॉम्बिनेशन है टचवुड। और बहुत मज़ा आया आज खेलने में, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सीरियसली, मतलब एक ओवर का गेम खेला हमने, मज़ा आया। हाँ, और बहुत अच्छा लगा मतलब खेलने में, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस आप लेके जाते हो ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप कैप्चर तो कर लेते हो, मतलब अपना उसको भूल नहीं सकते, वो बहुत अच्छा लगा। उनका नेचर बहुत अच्छा लगा सीरियसली, मतलब द वे दे ट्रीट अस ना, बहुत अच्छा लगा उनके साथ में, मज़ा आया आज। गाइस देखो, अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, 8 बजने वाले हैं, और मौसम देखो, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 8 बजने वाले हैं, मतलब ऐसा लग रहा है इतने बजे ना हमारे वहाँ शायद क्या कहते हैं, अच्छी खासी रात होने लगती है और अंधेरा रहता है, बट यहाँ पे देखो रोशनी कितनी बढ़िया हो रखी है, आप कह नहीं सकते क्या कहते हैं कि रात होने वाली है, बट 8 बजने वाले हैं, मतलब रात हो चुकी है और 8 बजने वाले हैं, हमारे यहाँ के हिसाब से तो अंधेरा हो गया हो तब तक, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे देखने में, मतलब जो अलग ही, मतलब इतना क्लीन बादल चल रहा है, अलग मजा है, अलग मजा है, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, रात कम है यहाँ पे। बाकी दिखाएंगे, आगे ट्रक वाले चल रहे हैं भैया हमारे, जब हमें इनसे स्पेस मिलेगा तो दिखाएंगे धीरे धीरे, और चल बाय बाय। सिंगल वन वे रोड है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो फाइनली हम लोग जो है नुब्रा वैली पहुंच गए हैं, और काफ़ी ढूंढने के बाद काफ़ी हद तक यहाँ पर रिजॉर्ट होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, मतलब यहाँ लाइट का इशू, 11 बजे लाइट चली जाती है और अभी बज रहे हैं 9:30, और फिर मॉर्निंग में आती है लाइट, इन्वेटर्स वगैरह पे चलता है इनका बैकअप। तो बाकी अभी जो ये है होटल, क्या नाम है इसका होटल का, अच्छा है, नॉट बैड, जाना और आदिल जाके ऊपर रूम्स देख के आ गए हैं, और ये हम निकाल रहे गाड़ी से अपना सामान। लो बैग दे दो आप मेरे को, अगर आप गूगल एंट्री कर दो मेरे को भी देख लो गाइस, फ्लैश जल्दी है सब यार। So, this is the room. This is our room.
ये वॉशरूम है गाइस, अभी जिस होटल में हमने एंट्री करी थी वहाँ पे हमारा फूड भी इंक्लूड है उस पैकेज में, हमने पैकेज लिया है फूड वाला विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। सो अभी बैठते हैं और करते हैं। बेटा अनायरू शुरू कर लिया था, बैठने का लिया था। किधर हुआ? सो खाना हो गया है ऑलमोस्ट सबका, खाना अच्छा था। अब चलते हैं अपने रूम में, अब आराम करेंगे।